मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ स्थित अपने आवास से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नवचयनित 1065 आयुर्वेद व होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया तथा 142 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का शुभारंभ किया। आयुक्त सभागार गोरखपुर में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन सहित नव नियुक्त चिकित्सक मौजूद रहे। इस दौरान जनपद में चयनित 31 नव नियुक्त चिकित्सकों को जनप्रतिनिधियों द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से नव नियुक्त चिकित्सक पशुपति नाथ तिवारी से बात की और उन्हें कार्यों में शुचिता लाने को कहा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज के दौर में दुनिया आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। कोविड काल के अनुभव ने पूरी दुनिया को प्राचीन भारतीय ऋषि परंपरा की देन इन चिकित्सा विधियों को वैश्विक स्वीकार्यता दी है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश को दुनिया के लिए नए हेल्थ टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे ऋषियों ने नास्ति मूलम अनौषधम का सूत्र दिया है। इसका आशय है कि कोई भी मूल, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण ना हो। हमें अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति को विस्तार देते हुए वनस्पतियों के औषधीय गुणों के संबंध में नए शोध करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन दादी के नुस्खों को पुरातन मानकर उपेक्षा की जाती थी, आज कोविड काल में वही काढ़ा, हींग, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, तुलसी और गिलोय आदि हमारे लिए जीवनदायिनी सिद्ध हुए। हमें इसका महत्व समझना होगा और इसी के अनुसार भविष्य की राह बनानी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेंटर हेल्थ टूरिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अभी भले ही यह योग प्रशिक्षण दे रहे हैं, किंतु निकट भविष्य में यहां सस्तकर्म जैसी विधियों का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नव नियुक्त चिकित्सक पशुपति नाथ तिवारी, डॉक्टर मनजीत सिंह और नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा, प्रथम चरण में 16 जिले लिए गए हैं और 384 डिस्पेंसरियां इसमें जो है चयनित की गई हैं। परेशानी दिक्कत देख करके मरीजों के योग्य शिक्षक हैं उनका वो परामर्श करने का कारण देश में सरकारियों का माने मुख्यमंत्री जी आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जो आदमी के द्वारा हो सकती थी आयुष विभाग के बिल्कुल पूरे तरीके से पिछड़ा हुआ था, इसमें सबसे बड़े दिशा निर्देश से आपके आशीर्वाद से आज लगभग 1100 चिकित्सा अधिकारियों को आप नियुक्ति पत्र नियुक्त करने का काम करेंगे। नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों की तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने आयुष विभाग को बहुत आगे बढ़ाने के लिए जो अहम कदम देने के लिए निर्देश दिया हमारे विभाग के अधिकारियों ने, उसे पूरे तरीके से गंभीरता से लेकर के उसे निर्माण करने का काम किया है। समाप्त करता हूँ। देश में पहली राज्य व्यापी जिन जनपदों से बात करेंगे वो आ जाएगा। कितने जनपद में गोरखपुर है बात करेंगे किसी भी निगाहों से देख रहे हैं। आयुर्वेद में और भारत की प्राचीन परंपराओं में इस प्रकार के किसी भी वायरस से लड़ने के बारे में शरीर की प्रतिरोधकता विकसित करने से संबंधित बहुत सारे वर्ग काम जनमानस के बीच में उसे प्रस्तुत करना और सहजता के साथ उनकी उपलब्धता और सरल भाषा में उसे सबके सामने ले जाने का प्रयास। इसमें सभी नागरिक इंटरनेट के साथ किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो के गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है, के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। हमारा फूड पार्क वाला जमीन, गन्ना वाला जमीन ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले भी शुरू हुआ से ग्रहण करने का।
एक नंबर अभी नहीं स्पीच के बाद मंत्री जब बोल देंगे उसके बाद वही से नजरिया काटते हैं कागज में बड़ा दिख रहा है फोटो कॉपी में तो छोटा दिखना चाहिए हाल में नहीं वो बड़ा है बड़ा दिख रहा है पेपर साइज डिफरेंट है पेपर साइज डिफरेंट वो A6 है ये A4 ना है देख रहे इतना चौड़ा नहीं है चौड़ाई दोनों बड़ी है फोटो कॉपी साइज का है तो इसने किया होगा कैमरे में दिखे नहीं देखते हैं चेकवा कितना बड़ा बना के लाते हैं लोकल बनवाए हैं हाँ वही आप लोग लोकल बनवाए हैं लोकल साइज को अपना चॉइस हो गया बहुत है प्रतीकात्मक होता है ये डेटा प्लानिंग भी हो जाती है या गोरखपुर जनपद में कितने हैं 11 आंगन है टोटल कितनी मूर्ति है 31 करीब करीब हर ब्लॉक में 1.5-2 हो गए सर अभी बात करेंगे सर 11 है सर यहाँ 11 चयनित हुए हैं ठीक है किसी अधिकारी से बात करो हम करो बेटा मुख्यमंत्री जी मैं पशुपतनाथ तिवारी आयुर्वेदिक चिकित्सालय पदवी मैंने BMS किया है 2007 में 2007 में जी 2007 से उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं उसके पहले साथ 2013 से NHM RBS के में काम कर रहा था नियमित रूप से जाएंगे हॉस्पिटल में जी क्योंकि नौकरी मिलने के बाद लोगों को फिर लगता है कि अब तो घर की चौक में जाएंगे अपनी सेवाएं पूरी ईमानदारी के साथ दे पाएंगे जी और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर पाएंगे जी इसको लेकर के मेहनत से काम करने की आवश्यकता है जी ठीक है जी पत्ता जी जाने नहीं जाने हो गया सर मैंने BMS किया 2011 में एक साथ लगभग 1100 चिकित्सकों के चयन की इस प्रक्रिया को पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अपने अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं आयोग विभाग को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूँ कि एक साथ 1100 चिकित्सक मिले हैं और उन्होंने जिस तत्परता के साथ नियुक्ति पत्र वितरण के साथ इनको नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे लगाया है यह प्रदेश के आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने वाले हमारे युवाओं के लिए अवसर के रूप में है मैं इसलिए
विभाग को धन्यवाद देते हुए सभी हमारे चयनित चिकित्सकों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। वास्तव में आयुष मिशन भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। कोरोना कालखंड ने तो हम लोगों को भारत की परंपरागत चिकित्सा विधा के बारे में सोचने के लिए मजबूर भी किया है। आप देखते होंगे, आप सभी के घर में कोई मेहमान आता होगा या कोई आपका निकट का चिंतक या मित्र आता होगा। आज से एक वर्ष पहले ये स्थिति थी कि कोई आता था, अगर आपने चाय के लिए नहीं पूछा तो नाराज हुआ, आपने उसे अच्छे पकवान नहीं खिलाए तो उसमें नाराजगी देखने को मिलती थी। अगर आपने उससे पहले कभी काढ़ा के बारे में किसी परिवार ने चर्चा भी कर दी तो लोगों को माना जाता था कि यह व्यक्ति की सोच बहुत पुरानी सोच है। लेकिन आज कोरोना ने हम सबको जब बचाव का एक मौका दिया तो आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी स्थान पे चले जाइए, और किसी का अपना घर हो, किसी का कार्यालय हो, किसी का कोई संस्थान हो, किसी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, किसी विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय में चले जाइए, वहाँ पे मैं हर एक स्तर पर एक ग्राम पंचायत की बैठक से लेकर के और नीति आयोग की बैठक तक हर एक स्तर पर अगर आज के दिन पे सबसे अधिक मांग हो रही है तो आयुर्वेद एक काढ़ा की मांग होती है। ऐसा हमें चाय नहीं, कॉफी नहीं, दूध नहीं और भी नहीं, हमें चाहिए काढ़ा, यानी काढ़ा की मांग। और एक काढ़ा आयुर्वेद की पद्धति में आज से नहीं हजारों वर्षों से इसका उपयोग किया जाता रहा है। ऋतु परिवर्तन के साथ इसका सेवन करने की प्रेरणा प्राचीन काल से है। खासतौर पर तुलसी का काढ़ा तो एक सामान्य घर घर में पिया जाने वाला एक आयुर्वेद का एक पेय, तुलसी ताजी मिले ठीक, सूख जाके उसके पत्तों को सुरक्षित लोग रखते हैं और उसका फिर उपयोग करते हुए उसके काढ़े का सेवन करते हैं। तो वो कहती हो, सीता हो, यानी इन सब के बारे में भले ही हमने डिग्री ना ली हो, भले ही हमारे पास उसकी विशेषज्ञता ना हो, लेकिन खासतौर पर आयुर्वेद के बारे में, सीता के बारे में तो प्राचीन काल से ही हर घर में दादी के नुस्खे के नाम पर हम इसका उपयोग करते रहे हैं और ये आज भी हर परिवार किसी न किसी रूप में इसका उपयोग करता है। हमारे यहाँ हल्दी का उपयोग में ही यह सर्जरी की विधा पर दिया है। बताए जाना चाहिए आयुष के साथ, मिशन के साथ जुड़े हुए, चाहे वह आयुर्वेद के हों, यूनानी के हों, सिद्धा के हों, होम्योपैथ के हों, ये परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति रही है इससे जुड़े हुए लोगों ने विगत कई सदियों से कोई भी नया शोध करने का प्रयास नहीं किया और अपने महत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए वे एलोपैथ की तुलना में पिछड़ गए और इस पवित्र मिशन के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आज नौ चयनित इन सभी चिकित्सा अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम सभी मिलकर के प्रदेश के आयुष मिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रदेशवासियों को तो उत्तम आरोग्यता का लाभ देंगे ही प्रदेश के अंदर हेल्थ टूरिज्म के मार्ग को भी प्रशस्त करने में आप सब अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।
डॉक्टर डॉक्टर श्वेता राय श्वेता राय भी कौन है आइए आशीष कुमार राय धर्मपाल जी इधर भी है दो रिश्ता जोड़े मैडम तो आई है अलंकृत राजेंद्र पांडे पवन कुमार आप आ जाओ पशुपत मा तिवारी आते ही पूछे कि कहाँ पे पोस्टिंग है क्या है कब पास किए हैं क्या कर रहे थे पहले और शुभकामनाएं दी है कि आगे अच्छा काम कीजिए सब लोग मिल करके आयुर्वेद का प्रचार प्रसार आयुर्वेद को और आगे बढ़ाइए तो ये सब बात कहें उन्होंने हम लोगों ने कहा कि अपनी तरफ से हम लोग 100% देंगे अपनी ओर से अच्छा काम करेंगे जो हो सकेगा जी हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें हमारी सिलेक्शन इतनी जल्दी ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट की गई 2018 में हमने दिया था इसका एग्ज़ाम उसके बाद से हमें 2020 में मिल गई तो हमें बहुत खुशी हुई और हम अच्छा काम करके दिखाएंगे ये हमारा सरकार से एक हमारा वादा है कि हम हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे क्या नाम है आपका और किस पद पर नियुक्ति हुई है सर मेरा नाम डॉक्टर मनजीत सिंह है और मैं अभी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय जगत बेला गोरखपुर में अभी मेरी नियुक्ति मिली है तो ये आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए और होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए बहुत गौरवशाली दिन है 1100 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और हमारी सरकार तो शुरू से आयुर्वेदिक चिकित्सा को लेकर के बहुत सकारात्मक रही है हमने अभी आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति दी है जो अनुभव प्राप्त होंगे उस दृष्टि से और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी सरकार अगर इस सुविधा को समाज में स्थापित करना चाहती है जिसकी मूलतः जड़ें भारतवर्ष में रही हैं तो मुझे विश्वास है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक और सर्जन भी इसका महत्व समझेंगे ताली हमेशा दो हाथ से बजती है सरकार अगर पुश कर रही है सरकार अगर नियुक्तियां दे रही है हर प्रकार का सहयोग दे रही है भरपूर संसाधन दे रही है तो ये चिकित्सक भी मूलतः आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रयोग करेंगे एलोपैथी की ओर नहीं जाएंगे और जैसे दक्षिण भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सा एक विधा के रूप में स्थापित है मान्यता प्राप्त है बहुत जगहों पर एलोपैथिक से अधिक महत्वपूर्ण है मुझे विश्वास है कि सरकार की ओर से हमारी पार्टी की ओर से बढ़ाए गए कदमों को ये सकारात्मक रूप से लेंगे और जहाँ जहाँ इनकी नियुक्तियाँ हुई हैं वहाँ वास्तव में जा करके जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे